Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing life process and this is lecture number 3. I hope you have already watched part 1 and part 2 before watching this part 3. In this lecture, we are going to discuss about heterotrophic nutrition and what about heterotrophic nutrition and their variety, their kind and all everything about it we will discuss today. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और उसमें ये बताया था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स. और इस हेटरोट्रोपिक में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ही डायरेक्ट लिए जाते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं लिए जाते. इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल के बजाय ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल इंटेक किए जाते हैं और उसको फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है. तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए ये तो समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता कौन है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मटेरियल बनाता है वो प्लांट बनाता है और हमने कहा था कि कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं. तो उनको उनको ही हम कह सकते हैं कि दे आर फूड प्रोवाइडर फॉर अस और हेटरोट्रोपिक के लिए. अस का मतलब है कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वालों के लिए जो फूड प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपी होते हैं. तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में किस तरह के न्यूट्रिशन होती है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कई तरह के न्यूट्रिशन होती है. बेसिकली 3 तरह के न्यूट्रिशन होती है. पहले इसको समझते हैं उसके बाद बात करते हैं. 3 तरह के न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि पहले होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड फूड को और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डायरेक्ट इंटेक करते हैं और अपने स्टोमेक के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या आप कह सकते हैं उसको सिमिलर सब्सटेंसेज में पूरी तरह से उसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके और फिर उसे एनर्जी गेन करते हैं. दूसरे टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है उसको सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बजाय वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं और ऐसे न्यूट्रिशन में जो डेड मैटर्स होती है या कोई डिकेइंग मैटर्स होती है उस पे वो सर्वाइव करते हैं और उसको खाते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे वो डिपेंड नहीं रहते. तीसरे टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें एक पैरासाइट्स होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए डिपेंड रहता है और उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स. और इस तरह के न्यूट्रिशन को जो खुद तो बनाता भी नहीं है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहता है एंड विदाउट हार्मिंग देम. ये नहीं कि उसको मार करके खा जाता है, उसको विदाउट हार्मिंग उसको उस पे डिपेंड रहता है फूड के लिए. तो उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. और जो डिपेंडेंट है उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स. और जो फूड प्रोवाइडर्स है वो कहलाता है होस्ट. होस्ट कहलाता है जैसे डोडर प्लांट्स होते हैं या ये कह सकते हैं अमर बेल होता है, कसकटा जिसको आप कहते हैं. तो इस तरह के प्लांट जो हैं वो दूसरे प्लांट पे होते हैं और उन ये जनरली ग्रीनिश कलर के नहीं होते. ये येलोइश कलर का अमर बेल होता है और ये दूसरे प्लांट पे ही होता है डिपेंडेंट. दूसरे प्लांट से ये एनर्जी गेन करता है और न्यूट्रिशन गेन करता है. तो इसी तरह का कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे टिक्स है, लीच है, टेप वर्म है. ये सारी जो है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, उनका ब्लड चूसते रहते हैं और उनका ब्लड के जरिए एनर्जी लेते हैं या इवन समटाइम्स उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है वो उन्हीं पे ज्यादा या कम डिपेंड रहती है. तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो 3 तरह के न्यूट्रिशन हो गए. अब इनको पहले समझते हैं उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आइए हम इसको समझते हैं कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है.
In heterotrophic nutrition, what we can write about it? So let us write here, in heterotrophic nutrition, organisms take food in complex organic compounds and break them into simpler form in their body, their inside body, right? For example, we can say animal भी हम जैसे animal में क्या क्या है, goat आप देखते हैं खाती है फिर बाद में जुगाली करती है इस तरीके का, तो कई बार inside और outside दोनों तरह के इसमें होते हैं। गोट और काउ इस तरह के जो एनिमल हैं, ये क्या करते हैं, पहले एक बार फूड इंटेक कर लेते हैं और फिर उसे मुंह में दोबारा वापस ला करके और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में पहले ब्रेक करते हैं और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो ये इस तरह के एनिमल है। जो मैन है वो क्या करता है, वो फूड एक बार ले लिया, अब उसके बाद उसका पेट जाने की उसको क्या करना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, तो इनसाइड मटेरियल जो स्टोमक है वो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक करता है और आदमी फिर उस भोजन को फिर वापस मुंह में नहीं लाता। तो ऐसा भी होता है। तो मैन हो गए, काउ हो गए, जैसे टाइगर है, ये सब जो एनिमल्स हैं, ये सब एनिमल्स हैं, टाइगर है या कोई और एटसेट्रा जो जंगली जानवर है, ये सब क्या है, इस तरह के कम्प्लेक्स लेते हैं। तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि ये फूड जो होता है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है। तो द सॉलिड इनटेक इज टेकन बाय हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो लेते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो इस तरीके का लेते हैं, लेकिन अब इसमें भी तीन तरह के न्यूट्रिशन होता है जैसा कि हमने आपको बताया। तो अब इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो तीन तरह के होता है। तो एक का ये मान सकते हैं कि एक को हमने क्या कहा, एक को कहा हमने कि जो पहला टाइप का होता है उसको हमने कहा होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा जो होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा जो होता है वो कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से आप, ये तीन तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी तीन तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। सब होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी तीन तरह के न्यूट्रिशन होता है। आप इसको कैटेगराइज ऐसे कर सकते हैं कि एक होता है इसके अंदर, मैं इसको लिखूं तो एक होते हैं इसमें हर्बीवोर्स, दूसरा होता है कार्निवोर्स और तीसरा होता है ओमनिवोर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स का और ये कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं, दे आर बेसिकली प्लांट ईटर, ये प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटर्स ये होते हैं, प्लांट ईटर्स नहीं होते हैं, ये मीट ईटर्स होते हैं, मीट ईटर्स, राइट। और ये होते हैं बोथ प्लांट एंड मीट बोथ ईटर्स होते हैं, बोथ ईटर्स, ठीक है। तो इस तरह का ये भी तीन पार्ट होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे कि हमने कहा
इसमें कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं जो डायरेक्ट फूड लेते हैं, जैसे मैन, एनिमल, ये सब जो है वो क्या है, उनकी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में दे डिपेंड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगस, फंजाई, ठीक है ना, एटसेट्रा, ये सब है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। और ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कोई चीज आप रखते हैं ऑक्सीडेशन के जरिए सड़ जाता है तो उसमें फंगस निकल आते हैं, और फंगस ही उनका जो वो डिकेइंग मैटर है जो सड़ रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मटेरियल डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसी पे वो डिपेंड रहता है, उनकी फूड का वही सोर्स होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है देयर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन आर न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिपेंड्स, मतलब क्या है कि ये लोग जो है वो फूड जो है, अपनी एनर्जी जो है या न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है इनका। और ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि डोडर प्लांट्स, प्लांट्स के कसकटा, कसकटा, ठीक है, ये अमर बेल भी कहते हैं इसको, अमर बेल, बेल कहते हैं इसको, या टिक्स, लीस, है ना, टेपवर्म, एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं, ये सारे के सारे जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन इनमें होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है कि होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ये वैरायटी हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक कि ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की ये वैरायटी है, और ये तीन तरह के होते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात अगर हम कहें तो ये है हेटरोट्रोपिक ट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं एक बार फिर समझ लें, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा कौन होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, और तीसरा क्या होता है पैरासिटिक होता है। ये तीन तरह के न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। इन तीन के अलावा जब होलोजोइक है, इसमें तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ये तीन तरह के होते हैं। इन तीन में क्या है बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ये प्लांट ईटर होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्ब्स का मतलब ही होता है प्लांट, तो जो हर्ब्स खाते हैं यानी प्लांट खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स जो मीट ईटर होते हैं, जो डायरेक्ट एनिमल खाते हैं, जैसे लायन है, तो लायन जो है वो घास तो नहीं खाता ना, कोई प्लांट तो नहीं खाता, वो क्या खाता है, वो डियर को खाता है या किसी दूसरे एनिमल को खाता है, तो डायरेक्ट मीट खाता है, तो मीट ईटर्स है। और ओमनीवोर्स क्या है, जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या खाते हैं, हम साग सब्जी भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, और हम चिकन भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, बकरे का या किसी और का, लैम का, तो हम लोग प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, तो इसलिए प्लांट और मीट दोनों खाने वाले लोग भी होते हैं जिनको ओमनिवर्स कहते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज हुई। अब सवाल ये है कि ये खाते कैसे हैं, तो अब खाने की बात है तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से पहले हम शुरुआत करते हैं, और जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमीबा का, कि अमीबा कैसे खाता है। तो अमीबा बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, और इनके खाने के लिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो ऐसा डेवलप नहीं होता जैसा कि ह्यूमन बींग में होता है, तो ये कैसे खाते। अब इनके खाने का जो तरीका है वो क्या है कि ये एक ही बार में किसी भी सॉलिड फूड को इनटेक कर लेते हैं, ऐसी अपनी शेप बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो होती नहीं है। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती तो फूड को ना उसके हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, तो लेता कैसे है। तो
तो फूड कैसे खाता है, और उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब सॉलिड फूड को इंटेक करता है। तो उसके अंदर क्या करता है अमीबा की एक फिंगर लाइक अपना स्ट्रक्चर बनाता है, उसी सेल में, एक ही सेल में उसको ऐसे बढ़ाता है, इसको सुडोपोडिया कहते हैं। और सुडोपोडिया जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना लेता है अपने सेप को और फूड को इंटेक कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि इंजेशन, इंजेशन कर लिया उसको, ले करके अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, अपने सेल के अंदर ही उसको ले लिया, इंजेक्ट कर लिया, तो उसको हम कहेंगे इंजेशन। इंजेशन होता है तो सबसे पहले अमीबा में क्या क्या स्टेप होंगे कि इंजेशन होगी फूड का, सॉलिड फूड ले रहा है और इंजेशन होता है। उस इंजेशन के बाद फूड को डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेशन होती है, तो इंजेशन और डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद क्या होगा, कोई भी चीज फूड डाइजेस्ट होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी असिमिलेशन होती है, और असिमिलेशन के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसका इजेक्शन होता है, तो इजेशन होता है। तो ये पांच जो मेन स्टेप्स हैं वो किसी भी फूड मटेरियल को लेने के लिए और उसको एब्जॉर्प्शन से लेकर के और इजेशन तक सब मिला करके पांच स्टेप्स हैं। तो अमीबा इसी का पालन करता है। सबसे पहले सुडोपोडिया के जरिए क्या करता है, फूड को, सॉलिड फूड को अपने अंदर ग्रैब कर लेता है, इंटेक कर लेता है। और कैसे करता है, इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात कर रहे हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। मतलब क्या होता है, ये फूड को इंटेक करता है सीधे सीधे सॉलिड फूड को। अब सॉलिड फूड को इंटेक करने के लिए क्या होता है, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है, पोडिया, एक क्या होता है ये स्यूडोपोडिया, इंजेक्शन, इंजेक्शन होता है ये स्यूडोपोडिया के जरिए। और ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप, स्ट्रक्चर डेवलप बाय अमीबा व्हाइल टेकिंग द फूड, दैट इज ग्रैबिंग द फूड। द प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, इंजेशन। ये है एक प्रोसेस, क्या है, इसमें एक फूड को इंटेक किया जाता है, सॉलिड फूड को, तो ये एक प्रोसेस हो गया इंजेशन। इस फूड को इंटेक करने के बाद, अपने अंदर लेने के बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ये है, आप देखिए डायग्राम के जरिए, यहाँ पे इंजेशन, ये एक फूड मटेरियल है, फूड आर्टिकल है, आप देख रहे हैं ये सॉलिड फूड आर्टिकल है, ये जो है, ये जो बना है इस तरह का डेवलप किया, और इसको ये फिंगर लाइक, इसको सुडोपोडिया कहते हैं। तो ये जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये इसको सुडोपोडिया कहते हैं, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे सुडोपोडिया। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, इसको हम कहते हैं सुडोपोडिया। ठीक है, और ये जो है धीरे से और ज्यादा डेवलप हो जाता है ताकि ये फूड को ग्रैब कर सके, और फूड को ग्रैब करके, तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पे सुडोपोडिया जो है डेवलप हो गया, फूड को ग्रैब कर लिया, इनटेक कर लिया, और इनटेक करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, इंजेशन। ये प्रोसेस है हमारा इंजेशन का, यहाँ पे फूड को इनटेक कर लिया, ग्रैब कर लिया, इंजेशन, और एक वैक्यूल बना देता है। वैक्यूल का मतलब होता है फूड वैक्यूल, कि ये दोनों जो है फिंगर लाइन जो स्ट्रक्चर है, ये आपस में आके हाथ जैसे जुड़ जाते हैं और फूड पूरी तरह से सेल के अंदर चला जाता है। तो सेल के अंदर अब चला गया तो पूरी तरह से इंजेक्ट हो गया। इस प्रोसेस में ये तीन स्टेप होती है, कि पहले सुडोपोडिया फूड की तलाश करता है, सॉलिड फूड जो मिलता है उसके बाद
अमीबा, सॉरी अमीबा जो है फूड पार्टिकल की तलाश करता है। जैसे ही फूड पार्टिकल उसके सामने आता है अपनी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सुडोकोडिया कहते हैं और इससे फूड को ग्रैब कर लेता है। ग्रैब करने के बाद उसको इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ लेता है अपने को कि वो फूड वैक्यूल बन जाता है, एक होल टाइप का बन जाता है जिस होल के अंदर वो पूरी तरह से फूड आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसको धीरे धीरे वो पूरा का पूरा फूड आइटम जो होता है वो सेल के अंदर चला गया। सेल के अंदर चला गया उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है और डाइजेशन होगी तो डाइजेशन होने के बाद यहाँ पर अभी पूरी तरह से अंदर आ गया तो इसके बाद इसकी प्रोसेस होती है डाइजेशन की। इसमें क्या होता है, इस डाइजेशन प्रोसेस में इसमें होता है कि फूड को जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको पूरी तरह से सिंपलर ब्रेक डाउन इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में इसको ब्रेक कर देता है फूड को। और लिक्विड फॉर्म में ब्रेक करने के बाद तुरंत ही एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और इस तरह से न्यूट्रिशन इन अमीबा हो जाता है। अब इसको बारी बारी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने उसका इंजेक्शन का डेफिनेशन लिखा है उसके बाद बाकियों के बारे में भी एक एक दो दो शब्द लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहला तो वो था, दूसरा पॉइंट है हमारा डाइजेशन। और डाइजेशन क्या है, ये पहला पॉइंट था इंजेक्शन, दूसरा पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन डाइजेशन इन अमीबा इज इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर का मतलब हुआ इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर, ठीक है ना, इनसाइड द सेल होता है। तो इंट्रासेल्यूलर होता है, इसमें क्या होता है, द फूड इज ब्रेक डाउन breakdown in liquid form, ठीक है। तो ये होता है डाइजेशन। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा प्रोसेस जो है इसमें वो आता है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, द लिक्विड फॉर्म आफ्टर डाइजेशन इज रेडियली एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एक एब्जॉर्प्शन हो गया, एक डाइजेशन हो गया, एक इंजेशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें तीन पार्ट अभी तक आपने देख लिया कि तीन स्टेप्स होते हैं। द एब्जॉर्ब फूड, चौथा जो इसमें स्टेप होगा वो होगा द एब्जॉर्ब फूड, फोर्थ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है इसमें, द एब्जॉर्ब फूड फूड बाय अमीबा इज टेकन एंड यूज इन फॉर्म ऑफ
एनर्जी एनर्जी। और इस चार स्टेप के बाद जो पांचवा स्टेप होता है, पांचवा स्टेप क्या होगा? इजेशन, है ना, इजेशन। अब सारी की सारी जो फूड मटेरियल इंटेक किया था वो सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ बच भी जाता है, वो किसी न किसी फॉर्म में बच जाता है, चाहे उसमें लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। तो जो बच जाता है वो वेस्ट मटेरियल कहलाता है, द अनयूज्ड अनयूज्ड द अनयूज्ड यूज्ड वेस्ट मटेरियल, अनयूज और वेस्ट मटेरियल, राइट ना, अनयूज मटेरियल और वेस्ट मटेरियल इज टेकन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल फॉर इजेशन, फॉर इजेशन, फॉर इजेक्शन, ये वाला इजेक्शन लिख रहे हैं, फॉर इजेक्शन, ठीक है ना, एंड रिमूव रिमूव फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन, द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। तो इजेक्ट होना और ही प्रोसेस है इजेशन का, इसका मतलब है कि जो फूड आइटम्स है वो जो बॉडी सरफेस से इजेक्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो इजेशन पांचवा प्रोसेस है, पांच प्रोसेस है टोटल। और जो अमीबा के अंदर फूड को का न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का होता है, ये सबसे एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो और भी होते हैं उनके फूड लेने का और उसे डाइजेस्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मोर और लेस सिमिलर भी होता है जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम होते हैं, क्योंकि उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होती। और चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होती तो एक ही सेल के जरिए उनको सारे प्रोसेस करना है, उनको एक्सर्शन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, फूड को कैच भी करना है, तो ये सारे प्रोसेस एक ही साथ बारी बारी से होता है, स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह से उनकी न्यूट्रिशन होती है। तो हमने ये सीखा कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली डिपेंड रहती है ऑटोट्रॉप पे। अब ऑटोट्रॉप से हम जो लेते हैं फूड मटेरियल्स वो किस तरह का होता है, उसकी सोर्स क्या है, उसमें कार्बन कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी डाइजेशन कैसी होगी। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन होती है, ऐसा नहीं है कि सब में न्यूट्रिशन एक ही तरह का होता है, न्यूट्रिशन के फेज अलग अलग हो सकते हैं, न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, और एक ही ऑर्गेनिजम्स में डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का फूड लेते हैं। जैसे आदमी ही है, मान लीजिए कोई लिक्विड फूड लेता है तो उसके न्यूट्रिशन डाइजेशन का तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और वहीं अगर आप कोई हार्ड मटेरियल खाते हैं जैसे चिकन खा लिया तो वो अगले एक दिन के बाद जाकर के डाइजेशन होता है। तो टाइम फ्रेम के अंदर भी डिफरेंट होता है, कोई और आपने कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया, यानी कोई जो ऐसी ग्रेन है जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, तो ऐसे ग्रेन अगर आपने ले लिया है तो उस स्थिति में भी इसकी डाइजेशन थोड़ी लॉन्गर लिंगर ऑन हो सकती है। सो डिपेंड करेगा कि सोर्स ऑफ कार्बन क्या है। बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जिसमें कार्बन होती है, और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कार्बन का सोर्स क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रिशन कितना जल्दी या कितना देर से होगा। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कोई आपने देखा होगा, सुना होगा कि अजगर जो होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनिजम्स को ही, पूरी की पूरी एनिमल को ही निगल लेता है, और कई दिनों में जा करके उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो धीरे 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 पूरी बॉडी को ही उसका डाइजेस्ट कर लेता है, चाहे उसमें बोन हो, चाहे उसमें फ्लेश हो, चाहे उसमें जो भी हो, स्किन हो, सब कुछ है, सबको डाइजेस्ट कर देता है धीरे 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 धीरे, और महीनों कई बार लग जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में अगर बड़ा एनिमल है। तो
तो इस तरह से सब एनिमल ही है, सबके डाइजेशन का तरीका अलग अलग है, और डिपेंड करेगा कि हमने सोर्स क्या लिया है, कहाँ से सोर्स कैसा है फूड इनटेक लेने का, उस पर डिपेंड करेगा कि डाइजेशन कैसे होगी। हमने अभी बात किया है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मेनली एक जस्ट आइडिया दिया है कि उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, अमीबा का हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हम बात करेंगे अभी इस क्लास की जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होगा, और इसके लिए आप अगले लेक्चर का इंतजार करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होगा और कैसे होता है, तो उसमें पूरी डिटेल स्टडी होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप भी थोड़ा रिलैक्स करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस।